What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. Welcome to Study Me Song. I hope to all of well. So, guys, इस न्यूज के बारे में मैं जानकर शौक हो गया जब मैं इस न्यूज को पढ़ा और जाना और समझा. तो ये न्यूज आप लोगों को कुछ पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको यहाँ पे डिटेल में पता चलेगा. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड बी नो दैट कि देश में क्या चल रहा है और हमारे सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं. तो सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत आपको पता होना चाहिए कि देश राज्य में क्या चल रहा है, और कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे, और कुछ आपसे बातें होंगी जो हमारे पास क्वेश्चन आया है. तो कुछ बातें करेंगे, कुछ फैक्ट बात करेंगे आपसे. लास्ट में बने रहिए, लास्ट में बहुत सारा आपसे बातें की जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, कि आप इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आपसे बात की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी लास्ट में, ठीक है? तो ज़रूर बने रहिए. तो आप लोगों ने एक केस देखा होगा, जाना होगा कि पोर्नोग्राफी की बात की जा रही है इसमें, कि पोर्नोग्राफी के शिकार बहुत सारे बच्चे भी हो रहे हैं आजकल. तो उसी को लेकर हम लास्ट में बात करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि सर पोर्नोग्राफी देखने की लत लग गई है और इसको कैसे छुड़ाया जाए. और बहुत ही इंडिया में लार्ज लेवल पे ये अटैक कर रहा है स्टूडेंट्स को और बाकी पीपल्स को. तो जब इस सेलिब्रिटीज को आप अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये सेलिब्रिटीज शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, तो इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है, राज कुंद्रा जी को. तो जब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज ऐसी ऐसी घिनौने हरकत, ऐसी ऐसी नीच हरकत जब करेंगे, तो हमारे आम पब्लिक, आम जनता क्या करेगी, और हम कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने सोसाइटी को कैसे अच्छा बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है. तो आइए इसी को लेकर आज बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये न्यूज हमको शॉक कर दी एकदम. और इस न्यूज को मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि ये कौन है और क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं. मेरा पर्पज यहाँ कुछ स्टडी के पॉइंट आउट से हैं, जो कि ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो इसके लिए क्या आपसे पूछा जा सकता है. आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि कौन सेलिब्रिटीज थे और कौन क्या किए थे, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इस सेलिब्रिटीज पे कौन सा एक्ट लगाया गया है और कैसे लगाया गया है और क्या नहीं लगाया गया, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि आपको अगर आप YouTube पर जाएंगे, YouTube पे वीडियो अपलोड करना चाहेंगे, तो YouTube पर भी ये चीज़ दी जाती हैं कि आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कंटेंट यूज करते हैं, आपको उसमें अप्रूवल नहीं दिया जाएगा आपके चैनल को. तो यहाँ पे बात की जाती है, कहीं भी बात की जाती है चीज़ है कि आपको रिपब्लिक ले या एक्ट बनाया गया था 1975 में, तो ये एक्ट बनाया गया था. ये एक्ट नंबर है 9775. तो ये एक्ट नंबर है, एक्ट ऑफ 2009 था ये, ठीक है? 2009 का यह एक्ट था, लेकिन एक्ट का नंबर दिया गया है ये 9775, ठीक है? तो डिफाइन किया गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है सोसाइटी में, कहीं भी सोशल मीडिया पर या कहीं भी. सेक्सुअल इंटरक्रोसेस करते हैं आप, बेस्टिकली करते हैं आप, या कहीं भी पब्लिक एरिया में आपको सेक्सुअली हार्समेंट करना नहीं है चाइल्ड को लेकर, ये बात की जा रही थी. तो इसी को एक्ट को लेकर आज तक चलते आ रहे हैं. हमने बात किया था आईटी रूल को, आईटी एक्ट को लिए बात किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं बातें की गई हैं पोर्नोग्राफी को लेकर. 2014 में एक एक्ट निकल कर आया था 2009 के बाद, द एंटी पोर्नोग्राफी जो एक्ट होता है, APA जो को बोलते हैं, ये बैन किया गया था ये क्रिएशन, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर. आपको 2019 में भी आपको देखने को मिला है फिर से कि बैन किया गया है कहीं ना कहीं इंडिया में पोर्नोग्राफी को. तो जब इंडिया में बैन किया गया था, उसके बावजूद यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी, यहाँ पे सॉरी राज कुंद्रा जी
यहाँ पे ये विदेश में जाकर बाहर कहीं जाकर और इस वीडियो को शूट करते थे। जो भी लड़की आती थी, लेडीज आती थी, आप लोग जाने रहे कि आजकल सेलिब्रिटीज आगे निकलने के लिए अपने आप को पैसे के लालच में आकर और बहुत सारी लड़कियाँ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा एक्टर बनाने के लिए जाती हैं और उनको यहाँ पे एक तरीके से पोर्नोग्राफी को लेकर ट्रीट किया जाता था उनके साथ, इनके द्वारा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बनाए थे, उस एप्लीकेशन पे इसको अपलोड करते थे अपने पोर्नोग्राफी वीडियोज को और फोटोज को, क्लिप्स को, ठीक है। तो ये बात की जा रही थी। अभी इनको अरेस्ट कर लिया गया है हमारे मुंबई पुलिस के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दो तीन बार यह आ चुका है चीज़ें, 2014 में, 2009 में और 2019 में भी आया था। लेकिन आज तक क्या ये चल रहा है, कानून नहीं चल रहा है, इस पर क्या है क्या नहीं है। तो इलीगल चीज़ें जैसे कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर इलीगल चीज़ें करते हैं, तो आपको आईटी के तहत, आईटी एक्ट जो होता है, आईटी एक्ट के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें डिटेल में आप लोग जाके पढ़िए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे एक्ट 2000 का था, ये इंडियन पिनल कोड जिसको बोलते हैं। तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत, आईपीसी के धारा 1860 में जब आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट जाते हैं चाइल्ड के पोर्नोग्राफी को लेकर या रिफरेंस करते हैं किसी पर्सन के साथ चाइल्ड सेक्सुअली एज ऑफ द 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स के नीचे तक, तो आपको यहाँ पर माना जाएगा कि आप यह एक्ट में बंध जाएंगे। और आपको अगर आप चाइल्ड से सेक्सुअली ग्लोबली लेवल पे आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको इस एक्ट के तहत बंध जाएंगे आप, और आपको सज़ा कड़ी से कड़ी मिल सकती है, ये बात की जाती है। इंटरनेट बात करें तो POCSO जिसको पोस्को एक्ट बोलते हैं, पोस्को एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक्सटेंड करता है 2012 में फिर लेकर तो प्रोवाइड किया गया था, लीगल प्रोटेक्शन किया गया था अगेंस्ट सेक्सुअल असल्ट के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हस्बैंड करता है कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर या कोई भी, तो सेक्शन 12 प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर ऑफेंस की, सेक्सुअल हरसमेंट को रोका जाए और पब्लिशली यहाँ पर शो नहीं किया जाए। लेकिन अगर आप ऐसे हरकतें करते हुए नजर आते हैं तो आपको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और आपको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि आपको जानना जरूरी है, कौन सा एक्ट है और कौन है जिसके तहत हम किसी भी व्यक्ति को अगर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, बच्चों के पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसको हम लोग कैसे अरेस्ट कर पाएंगे और कैसे पुलिस अरेस्ट करती है। सो आई होप कि इस लेक्चर को पसंद किए होंगे आप। और हम बात करें थोड़ा सा कि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था, कुछ क्वेश्चन था कि सर पोर्नोग्राफी देखने की लत लग गई है और ऐसे ऐसी एक्टिविटी हो रही है। तो आप यार, यू आर द यंग पर्सन, आप यंग पर्सन हो, आप देश के युवा हो, और आप अगर गलत ट्रैक पे जाएंगे तो देश के युवा जब गलत ट्रैक पे जाने लगेगा तो देश की इकोनॉमिक और देश की सारी गतिविधियां रुक जाती हैं। इसलिए आपको सही रास्ता और सही रास्ता चूज करना है। और आप ऐसा करिए कि एक पॉइंट है और एक तरीका है जिससे कि आप इस चीज़ से अवॉइड हो सकते हैं, इस चीज़ को, जैसे कि हम रोक नहीं सकते हैं इस चीज़ को, हम अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव की टेंडेंसी होती है और एक एज होती है, जो एज ग्रुप होता है 18 एज ग्रुप, उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। कॉलेज के समय में, स्कूल्स के समय में, 12th क्लास के समय में, 11th क्लास के समय में, 10th क्लास के समय में, क्लास 9th से लेकर और जब कॉलेज तक की बात करते हैं तो हम लोग ये चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मल देखने को मिलती है लोगों में और स्टूडेंट्स में। लेकिन इस चीज़ को आप लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप लोग अलग ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इन्फेंट्री कोई कार्य करें, आप एक कार्य लो, एक टारगेट लो, 24 घंटे का टारगेट लो, मैं बार बार बोलता हूँ 24 आवर्स का आप टारगेट लीजिए, उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरे दिन लगाइए, तो आपको कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको उसी तरह यूटिलाइज करना है, अपने एनर्जी को दूसरे पथ पर यूटिलाइज करना है, ताकि और ज़्यादा आपको अलग से बेनिफिट, अलग रूप से बेनिफिट मिल सके। तो आपको ऐसे जीओ में ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आप भी अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप भी इन जनाब के तरफ आप भी जेल में जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने आप को मेंटेन करिए, अपने सेहत को मेंटेन करिए, अपने आप को एक अच्छा प्रोग्रेसिव वर्क में लगाइए, जिससे कि आप आगे बढ़ सके और कुछ नॉलेज दूसरों को जा सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, मिलते हैं फिर कल लेक्चर में। आई होप कि आपको इस लेक्चर पसंद आया होगा मेरा।
छोटी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। सो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो, और अच्छा लगता है वीडियो, नॉलेजेबल लगता है तो ज़रूर शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि और लाभ इसका ले सके। क्योंकि और जो भी कुछ आपको समय मिलता है, जो भी कुछ यहाँ से पढ़ते हैं, ज़रूर दूसरों को पढ़ाइए और बताइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सो मिलते हैं फिर कल कल्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।